इस वीडियो में मैं आपको नॉट फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं ये बताऊंगी और साथ ही साथ इफ़ एरर कैसे यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगी। जब हमने लास्ट टाइम लॉजिकल ऑपरेटर किए थे, लॉजिकल फंक्शन किए थे, तो उसमें मैंने एंड और बता दिया था, बट नॉट रह गया था, उसको हम आज क्लियर करते हैं। नॉट फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, एक टेबल आपको दिख रही है, इसमें कुछ नाम है और मैंने एज लिखी है। मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए डेटा दिया जा रहा है, तो मैंने नॉट लगाया एक, तो हम नॉट क्या एज इज लेस देन 50 कॉमा सेलेक्टेड इनवैलिड। जब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी तभी ये ऑप्शन ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा फॉर्मूले में, इफ नॉट बी टू इज लेस देन 50, मैंने क्या बोला कि बी टू लेस देन 50 नहीं सिलेक्ट हो, नॉट लिख देने का मतलब नहीं सिलेक्ट हो, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन ट्रू हो तो सिलेक्टेड लिखा हो, मतलब मैंने लेस देन 50 बोला ना, तो अब ये 50 के ऊपर वालों को ट्रू मानेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन ट्रू तो ये लिखा हुआ है, ये ऑप्शन फॉल्स तो ये लिखा हुआ है। अब आप रिजल्ट देखिए, मैंने क्या लिखा यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए, इफ नॉट बी टू इज ग्रेट लेस देन 50, ठीक है, मैंने लेस देन 50 नहीं होना चाहिए, ये है इसका फॉर्मूले का मतलब। तो जिसमें भी लेस देन 50 है उसको इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। अब यही हम साइन चेंज करें और हम बोलें कि इफ कोई भी अगर 50 से ज़्यादा है, मान लीजिए ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसकी कंडीशन यही रखी गई है कि कोई भी 50 से उम्र ज़्यादा है अगर किसी भी अप्लाई करने वाले की, तो उसका सिलेक्शन नहीं लिया जाए। तो हम जब नॉट लगा रहे हैं ना, तो हमें नॉट लिखने के बाद हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर बी टू 50 से ज़्यादा नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 50 से ज़्यादा नहीं है, मेरी कंडीशन ट्रू जा रही है, तो सिलेक्टेड, नहीं तो इनवैलिड। अब हम देखते हैं, ये देखिए 63 पे इनवैलिड आया, 45 पर सिलेक्टेड आया, जो भी अब 50 से ज़्यादा है वो इनवैलिड दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से नॉट काम करता है। एक बार फिर से बता दियो, अगर मैंने लिखा कि 50 से ज़्यादा है तो ना ले, नॉट करके ये कंडीशन लगाई, और जब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो तो सिलेक्टेड लिखा हुआ है, नहीं तो इनवैलिड लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से नॉट वर्क करता है। और इफ एरर का क्या काम है, इफ एरर भी सपोर्टिव लॉजिकल फंक्शन है। इसका काम तब आता है जब हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसमें कोई एरर आ जाए, सिस्टमेटिक एरर आ जाए, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा डिवीजन बाय ज़ीरो यहाँ पे येलो कलर का बनकर आ जाता है, तो कभी भी एरर आए तो जो भी सिस्टमेटिक एरर आएगा, जो सिस्टम ही हमें एरर दिखाता है, कभी कभी येलो कलर का यहाँ पे बन करके आ जाता है, उन्हीं एरर्स को दिखा। जब भी फॉर्मूले में एरर आए तो इफ एरर ये चीज़ दिखा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ, इक्वल टू इफ एरर, इसकी वैल्यू लेस देन 20 नहीं होनी चाहिए, मैंने इफ एरर, अगर लेस देन 20 है तो एरर लिखा हुआ है, ये ट्रू फॉल्स दिखाएगा। मैंने क्या बोला, लेस देन 20, बी टू लेस देन 20 तो एरर दिखाए, ये देखिए जब लेस देन 20 है तो कंडीशन ट्रू है, नहीं तो फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स दिखा रहा है। अब ये कब सही दिखाएगा, मैं बताती हूँ आपको कब सही दिखाएगा। ये देखिए मैंने क्या लिख,
ये देखो डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये सिस्टमेटिक एरर होता है डिवीज़न बाय ज़ीरो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, इक्वल टू 78 डिवाइड बाय, देखो सिस्टमेटिक एरर है, डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर आया ना। तो यहाँ पे भी जब हमने किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया तो यहाँ पे एरर वाली वैल्यू चल गई। तो मैंने आपको बताया था इफ़ एरर कब काम करता है, जब भी हमारा कोई सिस्टमेटिक एरर शो हो। तो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, B2 इज़, इसमें ट्रू फॉल्स इसलिए बता रहा था क्योंकि कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं था। B2 इज़ ग्रेटर देन 50। अब इसमें फॉल्स दिखा रहा है, आप समझिए, अब जितने भी 50 के ऊपर होंगे वही वही ट्रू हैं। ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बताता है ये, और मेरी कंडीशन जब ट्रू जाएगी तो ट्रू लिखा हुआ आएगा, और ये एरर कब चलेगा, जब कोई सिस्टमेटिक एरर है। ओके, तो ये था हमारा इफ एरर और नॉट। इसी के साथ में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे हम जाएंगे, और यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, यहाँ पे मैं लिख दूँ सिलेक्टेड, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड ये ग्रीन कलर से है। ओके, अब जितने भी सिलेक्टेड है सब ग्रीन कलर से हो गए। और एक और चीज़ हम करते हैं, न्यू रूल फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, और इसमें मैंने लिख दिया इनवैलिड। फॉर्मेट पे जाते हैं और मैं चाहती हूँ ये मेरा रेड कलर से आए। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। देखिए, अब आप कोई भी चेंजेस करोगे ना तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी इफ एरर भी चल रहा है ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी कंडीशन अगर सही है तो 50 से ज़्यादा है तो ट्रू बता रहा है, 50 से कम है तो फॉल्स बता रहा है, क्योंकि हमने इसमें 50 से ज़्यादा ही बोला था।